इंदौर को स्वच्छता में नंबर वन बनाए रखने के लिए नगर निगम लगातार काम कर रहा है। इसके साथ ही स्वच्छता में लापरवाही बरतने और गंदगी करने वालों पर भी निगम सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। बुधवार को निगम अधिकारियों ने सरवटे बस स्टैंड पर स्वच्छता में लापरवाही बरतने वाले होटल संचालक पर कार्रवाई की और 1,000 रुपये का अर्थदंड वसूल किया। होटल ही है और आपकी बातचीत ज्यादा है। किसी की बात नहीं कर रही हूँ। इसका चालान बनवाया था जब मैंने कमिश्नर साहब से सारी बात हुई, जगह बात नहीं चली। 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 6 महीने की बात कर रहा हूँ, रोज की बात कर रही हूँ। अगर रोज जल्दी करोगे रोज बनाऊंगा मुझे चालान। दरअसल निगम अधिकारियों को शिकायत मिली थी कि सरवटे बस स्टैंड से सटे होटल का ड्रेनेज पाइप लीक कर रहा है, जिसके कारण होटल का गंदा पानी बहकर बस स्टैंड परिसर में आ रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। निकलते हैं और अभी हमने जैसे देखा सरवटे के अंदर हम घूम रहे थे तो इनका श्री लीला होटल है, ये भोजनालय है, तो यहाँ पर इनके अंदर अभी सीवरेज के अंदर से घुटन डाली जा रही थी और वो पाइप पूरा फूटा हुआ था, तो उसके अंदर से हमने देखा वहाँ पर काफ़ी मात्रा में घुटन निकली हुई थी, उसके फोटो वगैरह वीडियो वगैरह भी हुआ है हमारे द्वारा, तो उसी के तहत इनसे हमने जाके अभी हाल बात करी है। तो उन्होंने माननीय सभापति महोदय जी का नाम लेकर भी दबाव बनाने की कोशिश करी और भी के मतलब पार्षद महोदय के नाम लिए हैं, बोले मैं उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ रहता हूँ और कार्रवाई मेरे साथ नहीं हो पाएगी, मैं काफ़ी टाइम से सेवा कर रही हूँ। तो माननीय आयुक्त महोदय के जो आदेश है और अपन महापौर जी का आदेश लेकर चल रहा हूँ, पूरी जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो ये गंदगी होना बहुत ही अलग विषय है और बहुत गंभीरता वाला मामला है। आज पूरा इंदौर शहर नंबर वन बनाने की दौड़ के अंदर लगा हुआ है और इस विषय में अगर ये लोग पीछे हटेंगे तो ये बहुत ही मतलब गलत बात है। हाँ, विवाद की स्थिति इन्होंने करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे को मेरी नौकरी जाने का खतरा नहीं है, मैं किसी के दबाव में आता नहीं हूँ और मैं कार्रवाई वही करता हूँ जो मेरे को आदेश होते हैं। अभी इन्होंने गलत करा है, पाइप फूटा था, उसी के तहत मैंने कार्रवाई की है, इनका 1,000 रुपये का स्पॉट फाइन मैंने किया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जब होटल संचालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई की तो होटल संचालक विवाद करने लगा। होटल संचालक अधिकारी पर नेताओं के नाम से दबाव बनाने की भी कोशिश करते रहे, इसके बावजूद निगम अधिकारी ने स्पॉट फाइन की कार्रवाई को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।